और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। आई नजर आती है बिहार की कुछ खास खबरों पर। सुपौल के सदर में बीएसएस कॉलेज परिसर में बने टिश्यू कल्चर लैब का बिहार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फीता काट कर और वृक्षारोपण करके उद्घाटन किया। आपको बताते चले, जिस वक्त सुशील मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते समर्थकों में भगदड़ भी मच गई। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर ठिकाना खोजने लगे, लेकिन जब सूबे के उप मुख्यमंत्री को बारिश में ही आते देखा तो सभी का हौसला बुलंद हो गया, जिसके कारण सभी उनके पीछे बारिश में ही चल पड़े। सभी अतिथिगणों ने उद्घाटन के बाद सभा में भाग लिया, जहां उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर लोगों को टिश्यू लैब के फायदे के विषय में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में यह दूसरा लैब है, यह इस क्षेत्र के विकास एवं समृद्धि के लिए फायदेमंद साबित होगा। लैब से साल में 1 लाख पौधे होंगे जो किसानों को लगाने के लिए दिए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी गरीबी दूर होगी और जिले का भी विकास होगा। आने वाले समय में इसकी क्षमता में और भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि सभा स्थल में बीजेपी, जदयू एवं अन्य पार्टी के समर्थक भी मौजूद थे। बिहार से आशु राजा की रिपोर्ट।